मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा पर ईडी की छापेमारी। मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, आम आदमी पार्टी वाले ना रुकेंगे, ना बिकेंगे, ना डरेंगे। धर्म के नाम पर टिप्पणी करने वालों को सीएम योगी की दो टूक, कहा विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं, सभी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। यूपी में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, सीएम योगी के साथ मीटिंग में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत बड़े नेता मौजूद, उपचुनाव की सीटों पर तैनात मंत्री भी शामिल। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की समीक्षा बैठक, नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन पर चर्चा, सीएम मोहन, सीएम शिंदे, सीएम विष्णुदेव समेत कई सीएम हुए शामिल। लैंड फॉर जॉब केस, लालू समेत 9 को जमानत, तेजस्वी बोले केस में दम नहीं, हमारी जीत तय, केंद्र सरकार एजेंसियों का कर रही दुरुपयोग। यूपी के रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर साजिश की आशंका, ट्रैक पर मिला मिट्टी का ढेर, ड्राइवर और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा, देश भर में भक्तिमय माहौल, मंदिरों में लगी लंबी कतार, पूजा अर्चना के लिए उमड़ी भीड़। कश्मीर में सर्दियों की हुई शुरुआत, गुलमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी से मौसम हुआ खुशनुमा, सैलानियों ने जमकर उठाया लुत्फ।